शब्द ब्रह्मचारी हिंदी में बोलेंगे 10-15 मिनट, अधिक नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजक आचार्य जगदंज स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज हमारे परम सौभाग्य का दिन है। श्रील महाराज जी का आनुगत्य में श्री धाम नवद्वीप धाम परिक्रमा करने का हमें सौभाग्य मिला है। वैसे ही हम सुनते हैं कि दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए, कहना दोनों हाथ में लड्डू है, लेकिन यहाँ पर तीन हाथ में लड्डू है। हाथ तो तीन नहीं, हाथ तो दो ही है, लेकिन तीनों हाथ में लड्डू का मतलब है हम जितने चाह सकते हैं, हमें जो कुछ प्राप्त हो सकता है, कहते सिर्फ नवद्वीप धाम परिक्रमा करने पर उससे ज्यादा ही प्राप्त है। जैसे नवद्वीप धाम की परिक्रमा का कितना महत्व है, एक में तो शास्त्र में बताया गया ये धाम गुप्त वृंदावन है। जैसे ये कोल द्वीप है, जैसे कोल द्वीप का परिक्रमा करने का साथ साथ कहते ये कौन सा भक्ति का अंग है, कहते पाद सेवा। यहाँ पर एक एक द्वीप एक एक भक्ति का अंग है, जो कि एक एक भक्ति का अंग जाजन करने पर कहते कृष्ण प्रेम उपजय जहार अल्प संगे। और भक्त लोग एक एक भक्ति की अंग जाजन करते हुए उनको भगवत प्राप्ति हो गई। जैसे श्रवण में परिकृत महाराज, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, स्मरण में प्रह्लाद महाराज, अर्चन में पृथु महाराज, ऐसे करके एक एक भक्ति को अंग जाजन करते हुए भगवत भक्ति भगवत प्राप्त हो गए उनको। और यहाँ पर तो संपूर्ण नवद्वीप धाम है, जो नवद्वीप धाम को स्वयं श्रीमती राधा रानी ही नव कुंज रूप में व नव गोपी रूप में व नवद्वीप रूप में स्वयं राधा रानी कृष्ण सुख के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी ही प्रकट की है, इसलिए इसका नाम है नववनम। इसलिए राधा रानी के द्वारा प्रकटित धाम है। इसलिए यहाँ पर परिक्रमा करने पर जैसे कोल द्वीप, इसको परिक्रमा करने पर अपने आप पाद सेवन का फल मिल गया। दूसरे फल क्या मिलेगा, बोले कोल द्वीप। तद यहाँ पर आते ही हमको कोल द्वीप का परिक्रमा करने का भी फल मिल गया। तद और क्या फल मिल गया, तद इसको साथ साथ में ये गुप्त वृंदावन होने का नाते तद ये साक्षात गिरिराज गोवर्धन है, ये साक्षात राधा कुंड श्याम कुंड यहाँ पर है। इसलिए यहाँ पर तीनों हाथ में लड्डू है, एक में तो गिरिराज गोवर्धन में आना, श्री राधा कुंड श्याम कुंड का कितना महिमा आपको पता है, गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करने का कितना पता आप लोगों को पता है,
और उसके साथ में कोर्ति, उसको साथ साथ में पाद, पाद सवन आखा जो भक्ति, उसको साथ साथ में तीन तीन भगवत भक्ति अंग का जाजन एक साथ में प्राप्त हो रहा है। हरे कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कहते ये नवद्वीप धाम परिक्रमा की जो प्रथम शुरुआत, कहते प्रथम शुरुआत श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ही अपना परिकरों को साथ में किया है। कहते उसको बाद में उसी धारा को कहते श्रीमान नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को लेकर के उन्होंने श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करवाई। कहते उसको बाद में कहते श्री ईशान ठाकुर, नरोत्तम श्यामानंद और श्री रामचंद्र कविराज को लेकर के पुनः ये नवद्वीप धाम का परिक्रमा शुरुआत की। कहते उसको बाद में उसी धारा से ही श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद पुनः वो नवद्वीप धाम का उन्होंने पुनः प्रवर्तन किया। लेकिन जब प्रभुपाद अंदर ध्यान हो गए, पुनः धीरे 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 धाम परिक्रमा धीरे धीरे बंद हो गया। पुनः उन्होंने स्वप्न दिया हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज को, बोले तुम क्या कर रहे हो, धीरे 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 ये धाम परिक्रमा खत्म होते जा रहा है, पत्रिका सबके सब प्रचार धीरे धीरे बंद हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी प्रचार प्रसार को बढ़ाओ। कहते उसको परवर्ती समय पर श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज श्री कोलद्वीप में देवानंद गौड़ीय मठ को स्थापन करते हुए पुनः पुनः उन्होंने ये परिक्रमा को शुरुआत कराया है। अब लोगों को पता, जो लोग बहुत बहुत पहले आते थे, जितने सारे नवद्वीप परिक्रमा हरे कृष्ण, वह परिक्रमा को श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जितने सारे गौड़ीय मठ में व संपूर्ण दुनिया में जितने परिक्रमा में सबसे जो ज्यादा लोग होते थे हमारे श्रील उनको अनुगत्य में हमारे महाराज श्रील भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति वेदांत हमारे श्री महाराज जी प्रतिविक्रम गोस्वामी महाराज, जब ये तीनों मिलकर के धीरे 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 प्रचार नवद्वीप धाम की परिक्रमा को बढ़ाया, बड़े विपुल रूप में बढ़ाया। किसी गौड़ीय मठ में इतना लोग नहीं होते थे जितने होते थे हमारे देवानंद गौड़ीय मठ में। लेकिन उसी परिक्रमा को पुनः धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते श्रील महाराज जब ये हमारे गौड़ीय इसी मठ का स्थापन करते हुए जब पुनः वे नवद्वीप धाम की परिक्रमा को पुनः प्रवर्तन किया, संपूर्ण विश्व के लोगों को लेकर के जो श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर का जो भविष्यवाणी था, एक दिन ऐसे आएगा जो काले और गोरे दोनों मिल करके हाथ उठा देंगे निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, दोनों एक साथ नृत्य करते हुए महाप्रभु का प्रेम में डूब जाएंगे। इसलिए पृथ्वी में एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, मुझे लगता है किसी संप्रदाय में गौड़ीय संप्रदाय में भी श्रील महाराज का परिक्रमा में जितने लोग हैं, मुझे लगता है जितने सारे परिक्रमा कर रहे हैं सारे लोगों को अगर एकत्रित किया जाए तो श्रील महाराज जी के अनुगत्य में श्रीमान महाप्रभु नवद्वीप धाम की जो परिक्रमा की जो इतना विपुल रूप में जो प्रचार है केवल हमारे महाराज की ही एक विशेष महत्व है। इसलिए ये कोई अतिथि नहीं है, अगर कोई बोला कि अतिथि है, आप लोग स्वयं ये चीज को देख लीजिए, संपूर्ण विश्व के कोण कोण के लोग आकर के श्री महाराज का अनुगत्य में श्री नाम नवद्वीप धाम की परिक्रमा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य का ये किया है। कहते नवद्वीप धाम की विशेष महत्व है, कहते एक समय श्री शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न कर रही है, कहते हे प्रभु आप कृपा करके बताइए ये कलयुग है, ये कलयुग में जो जीव है कहते मंता सुमंद मतयो मंद भागा जुबत दुर्गा, इनका सुन बुद्धि मंद बुद्धि केवल मंद नहीं मंद सुमंद मतयो, लेकिन ये घोर कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होएगा, इसका उपाय क्या है, और कलयुग में
किसको उपासना करे। इतने में से शंकर जी कहते हैं, पार्वती कलयुग में जो श्री सचिनंदन गौरव हरि ये स्वयं नवद्वीप धाम में प्रकट हो करके जब उन्हें प्रेम प्रदान करेंगे, अगर वो महाप्रभु और उनका धाम को आश्रय करते हुए अगर कोई भगवत भजन करे तो वो अनाज से उधार हो जाएंगे। तो पार्वती प्रश्न करती है, प्रभु मैंने तो भगवान का अनेक नाम मैंने सुनी है, लेकिन आप कभी कभी श्री गौरव हरि चैतन्य नाम कभी कभी लेते हो, लेकिन ये गौरव हरि कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु है कौन, ये नवद्वीप धाम कहाँ है, आप कृपा करके इसका कुछ विवरण बताइए। तब श्री शंकर जी ने कहा, पार्वती कभी ये जितने सारे बात है कभी चैतन्य उपनिषद में सब वर्णना किया गया है। कभी क्या वर्णना करा किया गया, कभी इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य जिन्होंने विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण रूपी चेतनता प्रदान करते हुए सारा जीव को जिन्होंने उद्धार किया है इसलिए उनका नाम श्री कृष्ण चैतन्य। और चेतन उनका नाम एक गौरांग है जो सबसे पहले जो एक दिव्य गौरव तत्व रूप में जो प्रकाश मानते इसलिए उनका नाम गौर है। कहते पार्वती कहते एक समय नवद्वीप धाम की जो महिमा कहते एक समय कहते स्वयं अनंत देव भगवान विष्णु के पास में गए जाकर के बोले हे प्रभु आप कृपा करके बताइए आपकी आशीर्वाद से ये पृथ्वी को मैंने धारण करके रखा है सिर के ऊपर में, लेकिन मैंने तो वृंदावन धाम है कोई एक स्थान है कोई राधा कृष्ण का दिव्य धाम वृंदावन है, लेकिन अभी तक मैंने वो वृंदावन धाम राधा कृष्ण का दर्शन नहीं किया है, आप कृपा करके बताइए वो कैसे मुझे प्राप्त हो सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, अनंत देव तुम जो बात कर रहे हो जैसे एक व्यक्ति कुत्ते का पूंछ पकड़ करके जैसे कोई समुद्र पार होना चाहते हैं उसी तरह जैसे कुत्ते का पूंछ को पकड़ करके कोई समुद्र पार नहीं हो सकते हैं भवसागर को पार नहीं कर सकते हैं उसी तरह तुम आश्चर्य बात करते हो। कहते वो दिव्य जो वृंदावन धाम इतने महत्व है कहते मैं स्वयं भी प्राप्त नहीं कर पाए, कहते ब्रह्मा को भी वो धाम प्राप्त नहीं, शंकर जी को भी धाम प्राप्त नहीं, कारण दिशाई गर्भ दिशाई खिराक दिशाई किसी को वो धाम प्राप्त नहीं, तो परम सौभाग्य हो तुम जो वो धाम को दर्शन करना चाहते हो राधा कृष्ण का, लेकिन वो प्राप्ति के लिए एक सरल उपाय है। बल्कि सरल उपाय क्या है, अगर कोई गोपियों का चरण को कोई आश्रय ग्रहण करे गोपी भाव का अगर कोई आश्रय ग्रहण करे लेकिन वो आसानी से वो वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो गोपी भाव भी कोई साधारण वस्तु नहीं, जिस भाव को प्राप्त करने के लिए स्वयं उद्धव जैसे व्यक्ति जो कृष्ण का अत्यंत अत्यंत प्रिय है, न तथा में प्रियतम आत्म ज्योतिर्न शंकर नैव स्त्री नैव आत्मा जथा भावा, कृष्ण का इतना प्रिय है उद्धव, हाँ कहते जो कोई भी इतना प्रिय नहीं जो प्रिय उद्धव, ऐसे उद्धव जैसे व्यक्ति भी ब्रज में आकर के आशा महोचरण रेणु जुसा मंस्यान वृंदावन की गुलमलतोषधिना जैसे ऐसे व्यक्ति वहां पर कोई लता गुलमा कोई वृक्ष रूप में जन्म प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, शंकर जैसे व्यक्ति भी स्वयं गोपी रूप भी धारण कर लिया आ भी गए कभी प्रवेश नहीं कर पाए, स्वयं लक्ष्मी कहते बिहार का मान सुचिर धृत व्रता हर जगह में लक्ष्मी को कैसे आप देखोगे, लेकिन आप बेलबन में जाओ लक्ष्मी को हाथ जोड़कर देखोगे हाथ जोड़कर बैठोगे, बोले क्यों, बोले ब्रज में प्रवेश पाना चाहते हैं, ब्रजवासियों से प्रार्थना लक्ष्मी जैसे करते हैं, ब्रह्मा वो स्वयं कहते हैं तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम जत गोकुल की कथमांद्र राजोति से कम, ब्रह्मा जैसे व्यक्ति तत पुष्कर में कितने हजार साल तक तपस्या किया है जो पद को प्राप्त नहीं कर पाए। भगवान विष्णु कहते हैं हे अनंत देव कहते करोड़ों जन्म का सुकृत को तरा कहीं वैष्णवता को प्राप्त करते हैं और कोटि जन्म करोड़ करोड़ अगर कोई नारायण का भक्ति करे वैद्य भक्ति करे कोटि कल्प तक नारायण कहते हैं ये ब्रज प्रेम को कोई प्राप्त नहीं कर सकते इतने दुर्लभ ये ब्रज प्रेम राधा कृष्ण का धाम, लेकिन उसमें एक सरल उपाय है। बल्कि क्या उपाय है, अगर कोई व्यक्ति अभी वही चैतन्य महाप्रभु अभी नवद्वीप में अभी कृष्ण राधा रानी के भाव और अंगकांति को लेते हुए महाभाव में डूबते हुए हाथ उठाते हुए अभी वो प्रेम को प्रदान कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति नवद्वीप धाम में जाए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का चरणाश्रय करे और ऐसे रसिक भक्तों का
इसलिए जिसको भक्तिमान ठाकुर ने कहा गौर आमार जैस अवस्थानी करल ब्राह्मण, अगर कोई रसिक भक्तों का कोई अगर आश्रय ग्रहण करे आसानी से वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ब्रज प्रेम, और कुछ भी करने का जरूरत नहीं। अभी तो उनको बोल दिया नवद्वीप धाम में जाओ और रसिक भक्तों का चरण आश्रय करो, लेकिन हमको कहाँ मिलेगा रसिक भक्त है। अगर कोई नवद्वीप धाम में आकर के हमारे अभी उसी परंपरा में महाप्रभु जी से प्रेम को देख करके गए, उसी परंपरा में अभी हमारे महाराज जी यहाँ पर विद्यमान है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आए आकर के गौर नारायण का चरणाश्रय ग्रहण करे, महाराज का जो नाम है गौर नारायण ब्रह्मचर्य का नाम है, अगर इनका कोई चरण आश्रय ग्रहण करे सचमुच से ये नारायण है। नर मतलब का रस है, रस का जो संपूर्ण आश्रय है, नर मतलब सब जीव है, सब जीवों को जो आश्रय देने वाले है, नर मतलब ज्ञान होता है, सारे ज्ञान को जो आश्रय है। अगर कोई आए श्री महाराज जी का अनुगत्य में श्री धाम नवद्वीप का अगर परिक्रमा करे, जो प्रेम को श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ब्रह्मा बीरिन चीरा बांचीता जे प्रेम जगते तेली धाली कंगाले पाईया खाईला नाचिया बजाईया कर ताली। तो क्या करना पड़ेगा, बोले ज्यादा कोई परिश्रम नहीं, केवल हाथ में ताली बजाते हुए थोड़ी सी कृष्ण संकीर्तन करो, उसी संकीर्तन के द्वारा सदगुरु का चरण आश्रय करते हुए वो दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो जाएगी, और इससे कोई आसानी बात नहीं है। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यवान श्रील महाराज जी को ऐसे रसिक भक्त की आनुगत्य में हम लोग श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा करने आए, इसलिए परिक्रमा तो हम नहीं कर रहे, परिक्रमा तो गुरु जी कर रहे हैं, इसलिए कोई हमारा पर आशीर्वाद करे, जैसे जन्म जन्मांतर ऐसे रसिक भक्तों को आनुगत्य को प्राप्त हुए, जैसे हम लोग जीवन का सार्थक बना सके।